आज कदम के पौधे को रोपा है। आज महामहिम राज्यपाल महोदया ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है वर्चुअल। कोरोना की संक्रमण की स्थितियों पर बैठक में विचार होगा। सभी राजनीतिक दलों को वर्चुअली आमंत्रित किया गया है। ये कोरोना संक्रमण से निपटने की लड़ाई जनता के सहयोग के बिना नहीं लड़ी जा सकती। सरकार व्यवस्थाएं बना रही है, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भोपाल में ही हमीदिया में ही 250 बिस्तर बढ़ रहे हैं। आरकेडीएफ भी अपने अस्पताल में कोरोना के बिस्तर प्रारंभ करेंगे और बाकी अस्पतालों से भी अलग अलग जगह चल रही, इंदौर में भी चल रही और बेड लगातार बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा अभी आपूर्ति है। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी 4000 आ चुके थे, 5000 आ जा रहे हैं, लगातार इनकी आपूर्ति होगी और कंपनी से संबंधित प्राइवेट अस्पताल भी टाई अप करवाए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जनता का स्वतः स्फूर्त सहयोग आवश्यक है। संक्रमण बढ़ने से अगर रोकना है तो स्वयं को जागरूक रहना होगा। मास्क, 2 गज की दूरी, स्वच्छता और आज टीकाकरण, आज टीका उत्सव प्रारंभ हुआ है। पूरे प्रदेश में पूरी ताकत से हम टीकोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं, मतलब टीकाकरण कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि जल्दी वैक्सीन लगा के हम संक्रमण की संभावनाओं को कम करते जाएं, या हो भी तो सुरक्षित रहें हमारे लोग। और इसमें केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं ये मानता हूं लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है और मध्यप्रदेश में लॉकडाउन नहीं है कहीं भी। ना पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने कुछ जगह जनता से चर्चा करके स्वतः स्फूर्त ये कहा कि संक्रमण की चैन ब्रेक करने के लिए हम घरों में रहेंगे और कुछ गतिविधियां नहीं करेंगे। स्थानीय स्तर पर जिन नगरों ने तय किया है वो कोरोना कर्फ्यू है, वो लॉकडाउन नहीं है। और कई गतिविधियों की छूट है उसमें। अन्य राज्य से माल का आवागमन हो, मेडिकल की दुकानें हो, राशन की दुकानें हो, अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध, सब्जी की दुकानें, उद्योग में मजदूर, माल आदि का आवागमन, उद्योग चलते रहेंगे,
परीक्षा केंद्र में जाने वाले विद्यार्थी, अन्य स्टाफ, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, दूरसंचार, बिजली प्रदाय, रसोई गैस सेवाएं, टीकाकरण पूरी ताकत से चलेगा। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक, आईटी कंपनियां, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों के यूनिट्स, अखबार वितरण, होटल जिनमें केवल रूम इन डाइनिंग व्यवस्थाएं हैं, वैसा लॉकडाउन नहीं कि सब ठप। ये लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू स्वतः स्फूर्त जनता ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से कहा और उन्हें फैसला किया कि कुछ दिन गतिविधियां भीड़ वाली बंद रखेंगे। प्रदेश व्यापी लॉकडाउन नहीं लगेगा, आर्थिक गतिविधियां चालू रहनी चाहिए ताकि लोगों की रोजी और रोटी प्रभावित ना हो, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कि जनता स्वयं ना निकले और यह फैसला करती है कि हमको भीड़ पर नियंत्रण करना है, कि संक्रमण की चेन रोकने के लिए बहुत उपयोगी होगा। कुछ नगरों ने ये कोरोना कर्फ्यू का फैसला किया है जनता के सक्रिय सहयोग से और व्यवस्थाएं बना के हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं और विश्वास है जल्दी इस पे काबू पाएंगे। भोपाल ही सफाई से क्या कुछ विचार कर रहे हैं सर, इंदौर पे लग चुका है। आईडी में आ रहा हूं सर, मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, उद्देश्य पूरी तरह से लॉकडाउन करके सभी गतिविधियां ठप करने का नहीं है। हम लोग स्वयं समझते हैं कि इस समय कुछ गतिविधियां जैसे कि वैक्सीनेशन हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गई, उन सबका सतत चलते रहना बहुत आवश्यक है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट पे चर्चा करके इसी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा कि जिससे कि लोग स्वतः ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में जा, भीड़भाड़ ना रहे, अनावश्यक आवागमन ना हो, मूवमेंट ना हो, लेकिन जो बहुत ही आवश्यक गतिविधियां हैं, उदाहरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में वैक्सीनेशन है, तो हमारी ऐसी जो आवश्यक गतिविधियां हैं वो चलती रहें। इस प्रकार के कोरोना कर्फ्यू का जो स्वरूप है वो बना के इम्पोज किया जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं सर, मिनी लॉकडाउन जैसा।